ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है और पुराणों के अनुसार माघ का जो महीना होता है ना, वो बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी और पूर्णिमा के व्रत को सर्वोच्च बताया गया है और इन व्रतों की अनन्य महिमा भी कही गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशियां आती है, 12 कृष्ण पक्ष की और 12 शुक्ल पक्ष की। और मित्रों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे जया एकादशी कहा जाता है। और इस बार जया एकादशी का जो व्रत है वो 1 फरवरी के दिन मिल रहा है। जया एकादशी का विधि पूर्वक अगर आप व्रत रखते हैं और कुछ मान्यताओं का पालन करते हुए, कुछ मैं आपको जो उपाय इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप करते हैं ना, तो आप भगवान विष्णु जी के विशेष कृपा पात्र होते हैं। और जिनके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है ना, आप सभी को पता ही होगा कि भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी। तो जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या जिनके ऊपर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है ना, तो माता लक्ष्मी भी उनके ऊपर मेहरबान होती है। तो इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि आखिर जया एकादशी के व्रत पूजन का मुहूर्त क्या है, व्रत पूजन की विधि क्या है, और साथ ही जया एकादशी के दिन ऐसे क्या क्या अपन उपाय कर सकते हैं जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती रहे। और मित्रों, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है या जो भी दिक्कत है, जो दुख है, वो सब कुछ दूर हो जाए। मित्रों, ऐसे मौके कभी बार बार नहीं आते हैं। ऐसे में बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। मित्रों, इस बार जया एकादशी पर एक विशेष संयोग बन रहा है जिसे कहा जाता है स्वार्थ सिद्धि योग, जो कि 1 फरवरी 2023 के दिन यानी कि जया एकादशी के दिन सुबह 7:10 से शुरू हो रहा है, जो कि अर्ध रात्रि के बाद 3:23 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग लग जाएगा जो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 11:30 तक रहेगा। तो जया एकादशी के दिन मित्रों शुभ मुहूर्त में अगर आप कुछ विशेष उपाय या विशेष पूजा अर्चना करते हैं ना, तो इससे आपको अपने जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं होता। चलिए जानते हैं जया एकादशी के पूजन की विधि के बारे में कि आखिर जया एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजन किया जाए, फिर उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व होता है। जिस घर में गौ माता का वास होता है, जिस घर में गौ माता के लिए दान किया जाता है, जिस घर में गौ माता की पूजा की जाती है, उस घर पर हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है, जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो सड़क पर इनको जो भी नजर आता है, जैसे कपड़े, प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, पॉलीथीन, डिस्पोजल, पत्तल धोने, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है और कुछ दिन बाद इनका पेट खराब होता है और बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, मैंने ये निश्चय किया है, मैंने ये प्रण किया है कि इस बार 1 फरवरी जया एकादशी के दिन हरे चारे से भरा एक टेम्पो मंगाएंगे और उस टेम्पो को जगह जगह घुमाकर, जहां पर भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहां पर टेम्पो को घुमा घुमाकर मित्रों गौ माता को हरा चारा डालाया जाएगा, हरा चारा उनको पौष्टिक आहार खिलाया जाएगा। और इसमें मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप भी गौ माता के हरे चारे के लिए सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आप ये QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51, 101 रुपए मित्रों जो भी आप सहयोग करना चाहो यहाँ पर कर सकते हैं। और गौ माता से बड़ा जीवन में कभी पुण्य नहीं होता। और हाँ मित्रों, जो भी आप सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ अगर दान करते हैं ना, तो उसका आपको इसी जीवन में कई हजार गुना फल मिलता है और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों जानते हैं जया एकादशी का व्रत। तो जया एकादशी को भूमि एकादशी या भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वेद पुराणों में कहा गया है कि जया एकादशी के व्रत को जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक करता है ना, उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। चलिए जया एकादशी के पूजन की अगर विधि की बात करें तो जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, हाथ में जल लेकर का संकल्प लें और इसके बाद मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। उसके अलावा देसी घी में मिलाकर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं भगवान विष्णु को। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और मिठाई अर्पित करें। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष भी घी का दीपक अवश्य रूप से जलाना चाहिए। उसके अलावा जया एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं ना, तो इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन में केवल आप फलाहार ले सकते हैं, अन्न नहीं ग्रहण करना।
करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है ना, तो वह बार बार मृत्यु के भंवर जाल से मुक्त हो जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए मित्रों, जानते हैं माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो जया एकादशी आती है ना, उसमें कुछ विशेष उपाय होते हैं जिनको करके आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। मित्रों, आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि आज के 4-5 साल पहले कुछ भी नहीं था, टिफिन लेकर दूसरे के यहां पर नौकरी करने जाते थे, लेकिन आज घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं और अपने जीवन का गुजारा हंसी खुशी कर रहे हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो 4 साल पहले जिनके पास बहुत कुछ था, लेकिन आज वो सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं और अभी टिफिन लेकर दूसरे के यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन उनको वो हासिल नहीं होता जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और आप अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली देखना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए गुरुजी की दक्षिणा रहती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिससे आप परेशान हैं और आप उसका समाधान चाहते हैं, जिससे कि आपको आर्थिक समस्या से परेशानी हो रही है, आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ते देखने के लिए आप बहुत जगहों पर जाते हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है या पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, लड़का लड़की का विवाह होना जा रहा है लेकिन विवाह से पहले आप उनके कुंडली के गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर अच्छी नौकरी का प्रयास कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कोई भी समस्या है जिसका आप कुंडली रिपोर्ट बनाकर समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं कि आखिर आपके ग्रहों की स्थिति में क्या दोष बना हुआ और क्या उनका समाधान है। चलिए जानते हैं मित्रों कि जया एकादशी के दिन आखिर ऐसे क्या उपाय है जिनको करके आप अपने जीवन में जो भी परेशानियां है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जया एकादशी के दिन किसी भी मंदिर में जो भी पीपल का वृक्ष हो, ध्यान रखें पीपल का वृक्ष केवल मंदिर के पास ही होना चाहिए, जहां पर भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर जाकर आप जल चढ़ाएं और इसके बाद उस वृक्ष की परिक्रमा करके उनके समीप देसी घी का दीपक जलाएं, तत्पश्चात पीपल में स्थित भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके अलावा एकादशी के दिन आप भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करें। जया एकादशी के दिन अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि भी पूरी तरीके से निषेध करना चाहिए। पूरे दिन में केवल एक बार ही आप भोजन करें और वह भी केवल फलाहार ही होना चाहिए। अगर आप विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं तो मित्रों आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे काम है जिनको जया एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देर तक आप सोए नहीं। जी हाँ, भगवान विष्णु जी की जो आराधना का शुभ दिन होता है वो पूरे साल में केवल एक दिन जया एकादशी के दिन ही माना जाता है, इसलिए इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय भी आपको सोना नहीं चाहिए। उसके अलावा जया एकादशी के दिन आप चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है ना, वह अगले जीवन में रेंगने वाले जीव यानी कि रेंगने वाले योनि में जन्म लेता है। उसके अलावा अगला मैं आपको बता रहा हूँ कि जया एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करें लड़ाई झगड़ा। शास्त्रों के अनुसार सभी तिथियों में एकादशी की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन कठोर शब्दों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। जया एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध करने से भी आपको बचना चाहिए। इस दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करें।
उसके अलावा आपको बता दें कि जया एकादशी के दिन हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें। जया एकादशी के दिन या एकादशी वाली रात को भूलकर भी पति पत्नी शारीरिक संबंध नहीं बनाएं और जया एकादशी के दिन पूरे दिन और रात में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपको जीवन में विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। उसके अलावा मित्रों, जया एकादशी के दिन अगर आप अपनी बंद किस्मत को चमकाना चाहते हैं, आप अपना भाग्य का उदय करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, मैं एक विशेष रूप से उपाय आपको बता रहा हूँ कि आपको इस दिन एक ताला खरीद कर लाना है और जब आप जया एकादशी के दिन व्रत पूजा करें उस समय उस ताले को भी वहाँ पर रखना है। दूसरे दिन सुबह उठकर अच्छे मुहूर्त में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा धोकर तैयार हो जाएं और उस ताले को ऐसे मंदिर में दान करके आ जाएं जहाँ पर जोड़े के साथ मूर्ति रखी हो, जैसे कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति, राधे कृष्णा की मूर्ति। जोड़े के साथ भगवान की मूर्ति होना, वहां पर जाकर आप उस ताले को दान करके आ जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी जो बंद किस्मत है वो मैं आपको समर्पित करता हूं, और उसके बाद आप घर आ जाएं और रास्ते में किसी से भी बातचीत नहीं करें। मित्रों, अगर आप सफलतापूर्वक ऐसा कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। मित्रों,